एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विथ पौर्णा। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हो, तो मैं हूँ पौर्णा। आज है जो स्किन केयर का मैंने एक सीरीज़ बनाया था, उसका सेकंड सीरीज़ मतलब पार्ट टू। तो जो लोग अभी मेरा फर्स्ट सीरीज़ नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं, तो उनके लिए मैं उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज़ आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो आज है सेकंड पार्ट, आपके आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ टोनर। तो बहुत ही सिंपल है एंड जो हम लोगों के घर पर होते हैं उसी चीज़ से मैं आज आप लोगों को वो टोनर बनाना सिखाऊंगी। एंड ये टोनर आप लोग दिन में जितना चाहे यूज़ कर सकते हो, जितने बार आप लोग चाहे उसको यूज़ कर सकते हो। और इस समर के लिए जो टोनर मैं आप लोगों को आज बनाना सिखाऊंगी, वो टोनर बेस्ट टोनर है इस समर सीज़न के लिए। तो लास्ट तक देखते रहिए वीडियो को, और वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आप लोगों के फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि वो लोग भी ये वीडियो देख के इस समर वैकेशन में थोड़ा रिफ्रेश हो पाए। एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल को, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा साथ रहिए और देखते रहिए मेरा वीडियो को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड थर्ड जो पार्ट आएगा उसको भी देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। ये टोनर बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले चाहिए एक क्यूकम्बर, खीरा, हाँ खीरा ही चाहिए, एंड एक ग्रेटर चाहिए। तो खीरा का पील ऑफ मत कीजिए आप लोग, क्योंकि खीरा का जो छिलका होता है उसमें बहुत सारा गुण होता है, तो आप लोग इसको पील ऑफ मत कीजिए। इसके साथ ही इसको अच्छे से ग्रेट कर लीजिए, अच्छे से एकदम फाइन सा ग्रेट करना है। तो आप लोग देख सकते हो मेरा ग्रेट हो गया। अभी इसको मैं स्क्वीज करके इस ग्लास में इसका जूस अलग कर लूँगी टोनर बनाने के लिए। लोग देख सकते हो, और ये जो पार्टिकल्स बचे हुए हैं क्यूकम्बर का, ये आप लोगों को फेंकना नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें इसका मैं रीयूज़ करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग इसको मत फेंकिए। ये जो टोनर है ये आप लोगों के, इसमें खीरा है, तो खीरा आप लोगों की स्किन को जो टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करेगा। तो नेक्स्ट जो है इसमें गुलाब जल डालना है, रोज़ वाटर, एंड नेक्स्ट इसमें एप्पल साइडर विनेगर मैं डाल रही हूँ। एप्पल साइडर विनेगर जिन लोगों के ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन है वो लोग ही डालो, अदरवाइज मत डालो। एंड जिन लोगों का बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है वो लोग जो विटामिन ई का कैप्सूल आता है इवियन 400, वो एक डाल सकते हो। ये टोनर आप लोगों को दिन में दो बार लगाना ही लगाना है, एक तो मॉर्निंग के टाइम, एक नाइट के टाइम, और दिन में जितना चाहे उसके बाद आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो खीरा में नेचुरल प्रॉपर्टीज़ होते हैं और कूलिंग इफ़ेक्ट देते हैं। ये जो गंदी वाली समर सीजन चल रहा है इसको आप लोगों को कूलिंग इफ़ेक्ट देगा, एंड डार्क सर्कल रिमूव करेगा, पिगमेंटेशन को रिमूव करेगा, और आप लोगों के जो ओपन पोर्स है उसको मिनिमाइज करेगा। एंड एप्पल साइडर विनेगर जिन लोगों के ऑयली स्किन है उसको ऑयल कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। एंड आप लोग जब भी ये यूज़ करो तो शेक करके यूज़ करो, क्योंकि इसका जो खीरा का पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाते हैं। तो आप लोग ये एकदम बेझिझक से यूज़ करो, क्योंकि ये नेचुरल है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप लोगों की स्किन का जो टेक्सचर है इसको इम्प्रूव करेगा। आप लोग 7 दिन ये इसको यूज़ करके देखो, आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। एंड इसको आप लोग फ्रीज में 10-20 डेज तक स्टोर करके रख सकते हो, और अभी जो समर सीज़न है इसको ठंडा ठंडा यूज़ करो, तो आप लोगों को और भी ज़्यादा कूलिंग इफ़ेक्ट मिलेगा।
तो बहुत ही अच्छा है, ये मेरा फेवरेट टोनर है समर सीजन के लिए। एकदम मतलब आप लोगों की स्किन एक लाइट हो जाएगा, एक हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा जिन लोगों के ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है, तो बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ़।